जगत गुरु शंकराचार्य निजे जो जगन्नाथ अष्टकम को रचना करिचंती रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर नसदयः दया सिंधु बंधु सकल जगतं सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। केते बड़े से महाप्रभु श्री जगत्रनाथ जगन्नाथ कोटि कंदर्प दर्प विमर्दनकारी वेश को धारण करी निजे रथारूढ़ हेबे आ भक्त माने ए प्रकार दृश्य को दर्शन करी से आनंदित हेबे से उल्लासित हेबे। अरे आज विश्व प्रसिद्ध भुवन प्रसिद्ध रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा पतित पावन यात्रा दशावतार यात्रा उत्तराभिमुखी यात्रा इति प्रकार नाम को एकत्रित करी आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ तांकर एही परम पावन यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा को से पर्यवेक्षित करुचंती आ भक्त मानकर संख्या मध्य धीरे धीरे वरदान रे वृद्धि हेलानी काईके ना आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करी आमे आम जन्म जीवन को सार्थक करवा काईके ना ये एमती एक ठाकुर जी की महाप्रभु जगन्नाथ निजे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भक्त मान को कृतार्थीकृत करने निजे बड़ देउल को परित्यज्य कर आसी बाहर विराजमान करुचंती रथ त्रय चतुर्धा मूर्ति काहीक कौच एक कथा कारण पतित पावन बाना आहु के बेलकु भासी गली भव जड़े नाबदीय कूलकु पतित पावन बाना आउ के बेलकु। एपटे देखु कड़े सुंदर भाव में समस्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अपेक्षा करते बड़े से दिव्य प्रतीक्षित मुहूर्त आसपटे दृश्यमान हो बड़ देउल से श्रीमंदिर जहाँकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर बड़ देउल आपण मैंने समस्ते लक्ष्य कर नीलचक्र को पतित पावन बाना निजे पतित पावन बाना फर फर ही उड़ी कहते आह्वान करुंटे भक्त मैने आज आस आ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करी कथा को शुणी दि शुणुता पापनासन निलाद्री महोदय कह जाइंट दर्शन करवा दूर कथा खाली शुणीदेला मात्र के पापनासन हो जाए ये शास्त्रीय मत रही अच्छा आम टे महाप्रभु कथ को शुणा कारण जिते बड़े नीलाद्री महोदय ग्रंथ से महाप्रभुंर सुप्रसिद्ध ये श्रीगुंडीचा जात्रा घोष जात्रा संपर्क तथ्य उपस्थापना करिचंती किए ना निजे स्वयं नमस्ते जगताधार शंख चक्र गदाधर जन्नाभि पंकजा देवा जात हं विश्व सृष्टि को स्वयं निजे ब्रह्मा जितेबले इंद्रदेवन महाराज पचारिचंती मते आपण कहंतु नेत्रोत्सव पर ये श्रीगुंडीचा यात्रार कौन महात्म्य रही अच्छा मत दयाकर श्रवण करातु से ही समय ब्रह्मा कौन कही कहे ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ अत्यंत प्रीतिकर यात्रा जहाँ नाम होती श्रीगुंडीचा यात्रा तो पृथ्वी में किए एमती अच्छा जी कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ यात्रार महिमा कहीपर किंतु जो भक्त मैंने यात्रार महात्म्य को श्रवण करेंगे दर्शन दूर कथा शुणिले मात्र कि पापनासन ये नीलाद्री महोदय प्रमाण श्रृणुता पापनासनम एपटे आपण मैंने समस्ते लक्ष्य करालझज रथ को निजे दुईट ओलट सुख से मूर्धा को मंडन करुचंती माने समस्ते दर्शन करालध्वज रथ रे तो केते बड़े से तालध्वज रथ मंडन करिवे स्वयं निजे पलायुध काम पाल बंद श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवती रमण हल मुसल धारण रेवती रमण हल मुसल धारण तब पादे रे दैनिक करुची अप्रमादे बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन दुभ्यांशो भीतं लागलं समुसलं कादं बरी चंचलं रत्नाठ्या बर कुंडलं भुजलई ह्याक्रांतं भूमंडल से ही काम पाल हलायुध बलदेव एवं निजे माँ भगवती कृपामय जोगमाया सुभद्रा आ महाप्रभु श्री जगन्नाथ निजे उभय भाई भौणी तीन भाई भौणी कर ए जो माँ गुंडीचा यात्रा कारण प्रकृति में महाप्रभुंर आज ये यात्रा कर बहुत कारण अच्छे प्रथम तो भक्तों पर द्वितीय तो निजे महाप्रभु जगन्नाथ आज तक कर्मवेद को छाड़ जाऊँच कौट की ना जन्मवेद को जाऊँच माँ हेल्ले गुंडीचा आम जहाँ को भूलवशतः मौसी बोली कही था कि प्रकृति में मौसी किए ना आम श्रीमंदिर को महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम धाम को रक्षा करने स्कंद पुराण मत आठ प्रकार देवी निजे ये पुरुषोत्तम धाम को रक्षा करुंच किए किए ना अग्निकोण रे मंगला
पश्चिमे विमला वायुकोणरे अछन्ति जे सर्वमंगला उत्तर रे अर्धाश्वनी ईशाने लंबका दक्षिण रे काल रात्रि पूर्वे मरीचिका नैरते चंड रूपा बेनी अष्टदती अंतर्वेदी रक्षणार्थे यांक अवस्थिति ए अंतर्वेदी को रक्षणार्थे आठ जनकर जो अवस्थिति रही अछन्ति तन्मध्यरु अन्यतम हेले उत्तर रे अर्धाश्वनी अर्धशोषिनी देवी आपण माने बाहुडा यात्रा रे ए अर्धशोषिनी देवंकर अर्धशोषिनी देवींकर महात्म्य को श्रवण करिवा हेबे केमिति महाप्रभु जगन्नाथ फिरिला बेलकु माउसी माँ निकट को जाउछन्ति आपण माने सुनिबे बाहुडा यात्रा रे तो सीएल महाप्रभु को माउसी मात्र माँ होती गुंडीचा जी महाप्रभु जगन्नाथ निजे माँ निकट में पहुँचुंव जगत को शिक्षा दे पितामाता ठार बड़ देवता के स्वर्ग रईजे ना बापा माँ हेले सर्वश्रेष्ठ देवता पितामाता हूँ सर्वश्रेष्ठ देवता तो सेवा कले जाना तुम्हें कृतार्थीकृत हम यही निजे महाप्रभु करुणार वरुणालय भक्तवान छाकल पत्र भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन दयालु से महाप्रभु दीनबंधु श्री जगत्रनाथ जगन्नाथ निजे एक कर्मवेदी को छाड़ जाऊँच जन्मवेदी को निजे ऐश्वर्य लीला को परित्यज्य कर महाप्रभु जाऊँच माधुर्य लीला को करवाई से ही रथजात्रार ये परम पावन मुहूर्त कारण शास्त्र कहते नीलाद्रो दस वर्ष आनी कि सुंदर भाव में आपने देखुं एपटे अरुण स्तंभ को कितु शास्त्र मत कण रही से महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीगुंडीचा यात्रा को नहीं ना नीलाद्रो दस वर्षाणी गुंडीचा मंडपे दिने आपण मैंने समस्त रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दस वर्ष दर्शन करवा जहाँ आ गुंडीचा मंडप उपरे गोटे दिन दर्शन करवा से महाप्रभु श्री जगन्नाथ केड़े आम मानक आज आमर केड़े भाग्य आम महाप्रभुर कथ को शुणुचे जो मानकर भाग्यर अच्छे आज जा महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा को दर्शन करवा कारण आज है गोटे अद्भुत संजोग नेत्रोत्सव आज पड़ी महाप्रभु श्री जगन्नाथ गुंडीचा यात्रा पड़ी दीर्घ 53 वर्ष पर यह एक अद्भुत संजोग आज पड़ी आ भक्त मानकर बहुत उत्कंठा रही तो ये दुर्लभ रथयात्रा को आज दर्शन करने कारण प्रकृत आम तो ये शास्त्र शास्त्रीय मतानुजाई महाप्रभु को रथयात्रा को विचार करुचे कितु प्रकृत जदि आम शरीर तत्व को नहीं रथयात्रा को विचार करवा कठोपनिषद गोटे सुंदर कथ कहते कह आत्मा रथिना विधि शरीर रथमे वतु बुद्धि तु सारथि विधि मन पग्रमे वच देहटी धर्म क्षेत्र रथ स्वरूप जानी था बाबू सत्य शांति दया क्षमा चारि घोड़ा को जोचिन दबू मन दहुड़ी बेक छड़ी सत्पथे चलाओ रथी ब्रह्मरे लय ए देहटी है धर्म क्षेत्र कौ भलिया ना रथ स्वरूप जानी था बाबू यही रथर चारोटी घोड़ा कौन कौन ना सत्य शांति दया क्षमा चारि घोड़ा को जोचिन दबू ए रथर दौड़ी कौन देह रूप को रथर दौड़ी कौन ना मन दौड़ी बेक छड़ी ए रथर ए शरीर रूपक रथर दौड़ी हूँ मन जहाँकिवेक को छाड़ जापर ना या रास्ता कौन जमी महाप्रभु रथ बड़दाण्डे चलुंट सेमती शरीर रूपक रथ कौ पथे चलो ना सत्पथे चलाओ रथी ब्रह्मरे लय ये महाप्रभुं परम पावन श्रीगुंडीचा यात्रा।